बॉडी बिल्डिंग में आए हो, फिटनेस लाइन में आए हो, तो भाई पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। ये सब जानते हैं, पैसा लगाना पड़ता है। आज नहीं तो कल अपनी बॉडी बिल्डिंग पे, अपनी हेल्थ पे आपको खर्चना ही पड़ेगा। देखो, शुरुआत में ज़रूर आप नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बढ़िया तरीके से आप ग्रो भी कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से ज़्यादा मसल्स पैक कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं जो है आपको थोड़ी सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ जाती है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं यही कहता हूँ कि जितना हो सके नेचुरल गेन कीजिए। मैंने खुद भी जितना हो सका मैंने नेचुरल ही गेन करने की कोशिश की है। इवन इस लॉकडाउन में भी मैं बिल्कुल नेचुरल रहा हूँ, तो मैं आपको भी यही सलाह देता हूँ, जितना हो सके, जितना मसल पैक कर सको नेचुरल तरीके से कीजिए। पर बात एक एंड वहाँ पे आ जाता है जब बॉडी हो जाती है अडेप्टेंस ऐसी चीज़ों से, जहाँ पे जाके चीज़ें काम नहीं करती, तो वहाँ पे थोड़ा पैसा आपको खर्चना पड़ जाता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो पैसे का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में, मेनली वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें आगे बढ़ाता है। ऐसे पैसे का क्या करना जो सिर्फ बैंक्स में ही रहे, जो बैंक में ही रहे इकट्ठा होके, उस पैसे का क्या करना, वो तो एक तरह से कह सकते हैं डिजिटल मनी हुआ, बैंक से बैंक में ही रहा, वहीं से कुछ खरीद लिया आप, तब आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप ऐसे ही सोचें कि नहीं मैंने सिर्फ इकट्ठा ही करना है, तो भाई बॉडी बिल्डिंग लाइन में आपको डाइट ना, आप अगर सप्लीमेंट्स में ना भी खर्चे या एडवांस साइकिल्स की बात नहीं भी करूं, तब भी आपको अपनी डाइट तो किसी ना किसी लेवल पे जाके बढ़ानी ही पड़ेगी। अगर आप 70 kg मस्कुलर अभी हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपना मसल गेन करो, तो डाइट भी आपको कभी ना कभी तो बढ़ानी पड़ जाएगी मसल पैक करने के लिए। प्रोटीन डाइट में बढ़ाना पड़ेगा मसल पैक करने के लिए, सप्लीमेंट्स ऐड करो या ना करो, हालांकि सप्लीमेंट्स मेनली ऐड किए जाते हैं। तो पैसे की दिक्कत और पैसा होते हुए ना यूज़ करना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। पैसे की दिक्कत है तो भाई आप काम कीजिए अपने बॉडी बिल्डिंग गोल को अचीव करने के लिए, अपने सप्लीमेंट्स या डाइट के खर्चे के लिए बढ़िया काम कीजिए, पैसे बनाइए, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे हैं तो सिर्फ बैंक में रखे हों, तो भाई ऐसे पैसे का क्या काम जो आपकी हेल्थ में काम ना आए, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग के गोल ज़रूर, फिटनेस में आप रह सकते हैं बगैर सप्लीमेंट्स के भाई, पर अगर आपने कुछ अचीव करना है, कुछ गोल आपके बड़े हैं, तो भाई मसल साइज़ बढ़ाने के लिए वहाँ पे पैसा भी खर्च होता ही है। तो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँगा, एक जो आपको हमेशा चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपनी बॉडी पे अगर आप खर्चा करोगे, तो वो कल को आपकी बॉडी आपको वो पैसा अर्न करके देती है। बॉडी बिल्डिंग ऐसी लाइन नहीं है कि आपने मसल बिल्ड करके रख लिए घर में बैठे रहे, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे ही देगी, आपको उतने पैसे अर्न करके दे ही देती है। चाहे वो जॉब हो, आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है कि आप किसी जॉब में भी जाते हो, तब भी आपको वहाँ एक बेनिफिट, एक प्रेफरेंस ही देखी जाती है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। आप जो भी बॉडी बिल्डर या फिटनेस रिलेटेड भाई हैं मेरे, आप देखते होंगे लोग आपको एक अलग प्रेफरेंस की नज़र से देखते हैं, क्यों? क्योंकि आपने लोगों के से कुछ हट के काम किया है, आपने अपनी बॉडी पे पैसा खर्चा है, आपने अपनी हेल्थ पे पैसा खर्चा है, अपनी डाइट पे पैसा खर्चा है, अपने सप्लीमेंट्स पे पैसा खर्चा है, आपने लग्जरी चीज़ें लेने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, महंगी महंगी चीज़ें बाय करने के अलावा आपने अपना पैसा जो खर्च किया है अपनी डाइट पे और अपने सप्लीमेंट्स पे खर्च किया। तो मैं यही कहूँगा भाई, पैसे की इतनी भी ना सोचें कि आपका वो पैसा बैंक में ही, बैंक का बैंक में ही रह जाए, अपने पैसे अपनी बॉडी पे लगाएं। और एक पैसे की एक जेन्युइन दिक्कत होती है, उसको सॉल्व करने के लिए बढ़िया जॉब करें या ट्रेनर लग जाएं भाई। ट्रेनर, अच्छी हेल्थ होगी कहीं पे भी ट्रेनर लग सकते हैं, फिटनेस होगी कहीं पे भी ट्रेनर लग सकते हैं। हाँ, कई लड़के कहेंगे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो भाई बिल्कुल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, सर्टिफिकेशन कीजिए। अगर आपके पास कोई और स्किल्स नहीं है तो आप हेल्पर भी लग सकते हैं जिम में हेल्पर लगिए, साथ में ट्रेनर की सर्टिफिकेशन कीजिए। ट्रेनर का सर्टिफिकेशन जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, साथ में ही आप किसी भी जॉब, किसी भी जिम से रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, ट्रेनर रिलेटेड कोई भी जॉब आपको इजीली मिल जाएगी। तो ना तो पैसे की कभी दिक्कत आएगी, पर आपको अपनी बॉडी पे पैसा खर्चना ही पड़ेगा। आलतू फालतू चीज़ों को छोड़ के अपनी डाइट और अपने सप्लीमेंट्स पे ही पैसा खर्चें, ठीक है। और कंजूसी में जीने से क्या फ़ायदा, अपनी डाइट पे खर्चे। मैं ये नहीं कह रहा कि लग्जरी जूते या लग्जरी कपड़े पहनना वो ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी डाइट पे खर्चना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डाइट पे खर्चिए, सप्लीमेंट्स पे खर्चिए और आगे निकलिए। अपनी डाइट बढ़ाओगे, मसल सभी बिल्ट होते हैं एक ही डाइट के साथ। अगर हमेशा आप जितना मर्जी वर्कआउट कर लोगे भाई, बॉडी जहाँ पे प्लाटो हिट कर जाएगी उससे आगे नहीं जा पाएगी। तो डाइट पे तो पैसे खर्चने पड़ेंगे, जितना हो सके नेचुरल रहिए, मैं तो यही कहता हूँ। और जब आपको सप्लीमेंट्स ऐड करने, तो भाई वहाँ पे भी सप्लीमेंट्स तो ऐड करने पड़ जाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सके नेचुरल, तब भी जितना हो सके वो नेचुरल ही रहना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।
सबसे बड़े जो हेल्थ है वही वेल्थ है, है ना। ये तो सभी जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो अपने पैसा अपनी बॉडी पे खर्च कीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो वीडियो पे लिख देना, इंस्टाग्राम जो है जॉनी किंग अल्फा इंस्टाग्राम आईडी। लव यू फ्रेंड्स, बाय।